गाइज आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। मैं आपको कहानियों के माध्यम से इंग्लिश में पढ़ना लिखना बोलना और उसे समझना सिखाता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की जो कहानी है ये कहानी है द लायन एंड द माउस। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ पर समझाएंगे आपको कि किस प्रकार आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो वर्ब का प्रयोग किया गया है उसके माध्यम से सेंटेंस को समझ पाएंगे, टेंस को समझ पाएंगे और ग्रामर का प्रयोग करते हुए किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी पैराग्राफ को आसानी से इजीली में समझ पाएंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द लायन एंड द माउस, यानी शेर और चूहा। माउस मतलब होता है चूहा, ठीक है। अ लायन मीन्स होता है शेर। वंस, वंस मीन्स होता है एक बार, ठीक है। ए माइटी लायन, एक शक्तिशाली शेर, वाज स्लीपिंग, सो रहा था। एक बार एक शक्तिशाली शेर सो रहा था। अब यहाँ पे टेंस को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आवाज वेर का प्रयोग हुआ है, उसके बाद भर में आई एन जी का प्रयोग हुआ है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आवाज वेर का प्रयोग होता है, उसके बाद भर में आई एन जी का प्रयोग होता है, तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। यहाँ भी देखिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर आवाज वेर का प्रयोग हुआ है, यानी आवाज का प्रयोग हुआ, उसके बाद भर में आई एन जी का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक शक्तिशाली से सो रहा था अंडर ए ट्री, यानी पेड़ के नीचे। अंडर मीन्स होता है नीचे, स्लीप मतलब क्या, तो सो रहा। माइटी मतलब क्या, शक्तिशाली, शक्तिशाली, ठीक है। एक शक्तिशाली से सो रहा था, ठीक है, अंडर ए ट्री यानी पेड़ के नीचे। ए लिटिल माउस, एक छोटा चूहा। लिटिल मतलब क्या, छोटा, ठीक है। एक्सीडेंटली मतलब होता है गलती से, अचानक, अचानक मतलब सडनली होता है, एक्सीडेंटली का मतलब होता है गलती से, गलती से, ठीक है। रन ओवर मतलब क्या होता है, चढ़ गया, दौड़ते हुए चढ़ गया, दौड़ते हुए चढ़ गया, ठीक है। हिज पाव यानी उसके पैर पर या फिर उसके पंजों पे, उसका जो पंजा था उसके पंजे पे क्या हुआ, चढ़ गया। वॉकिंग हिम ऑफ, जिस वजह से क्या हुआ, उसका नींद खुल गया, ठीक है। द लायन इन ए रैग्ड मतलब गुस्से में, ठीक है। शेर क्या हुआ, गुस्से में आकर कॉच मतलब पकड़ लिया, कैच मिस पकड़ना, पकड़ना, कैच मिस होता है पकड़ना, कैच का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हुआ, पकड़ लिया द माउस यानी चूहा को क्या हुआ, पकड़ लिया। और वाज अबाउट टू ईट हिम, और उसे क्या होता है, खाने ही वाला था, यहाँ पे लगभग है तो मतलब क्या, जो कुछ होने ही वाला रहता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अबाउट का यूज करते हैं, ठीक है। यानी उसे खाने ही वाला था इसलिए यहाँ पे अबाउट का यूज हुआ, ठीक है। और उसे खाने ही वाला था। द माउस यानी चूहा ने बेग, बेग मीन्स होता है भीख मांगना, ठीक है। यहाँ पे बेग्ड इसलिए क्या, भीख मांगा, फॉर मर्सी यानी दया, ठीक है, दया की भीख मांगा। और प्रोमिस किया टू हेल्प, मदद करने के लिए द लायन, और शेर को, और शेर को मदद करने के लिए यानी शेर की मदद करने के लिए, और वादा किया सम डे यानी किसी दिन, ठीक है। यदि ही लेफ्ट हिम गो, यदि उसे छोड़ दे और उसे जाने दे तो। द लायन यानी शेर वाज एम्यूज मतलब जो शेर था वो क्या था, आश्चर्यचकित हुआ कि द आइडिया मतलब इस आइडिया से क्या हुआ, जो शेर जो था वो क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, ठीक है। सच ए स्मॉल क्रिएचर यानी इतना छोटा प्राणी, ठीक है, कुड हेल्प हिम मेरी मदद कर सकता है, ये सोच के क्या हुआ, वो आश्चर्यचकित हुआ इतना, और इसलिए क्या हुआ, ही लेट द माउस गो और चूहा के, और उसने क्या हुआ, उसे जाने दिया, चूहे को क्या किया, जाने दिया। सम टाइम लेटर यानी कुछ समय के बाद, सम टाइम मतलब होता है कुछ समय, कुछ समय, ठीक है, कुछ समय के बाद, ठीक है। द लायन वॉच कॉच, शेर वॉच कॉच मतलब पकड़ा गया, कॉच मतलब क्या था, पकड़ा गया, ठीक है। इन ए हंटर नेट यानी शिकारी के जाल में, ठीक है, कुछ समय बाद शिकारी के जाल में पकड़ा गया। ही रोडर वह दहाड़ा, इन ए डिस्ट्रेस मतलब क्या था, घबराहट से या फिर वह परेशान होके वह क्या हुआ,
बहुत जोर से क्या हुआ, हुआ दहाड़ा। संकट में आके रोरम क्या था, दहाड़ना। इन मतलब क्या था मैं, संकट, संकट में आके परेशान होके वो क्या हुआ दहाड़ा। और द माउस यानी चूहा रिमेम्बरिंग हिज प्रोमिस, और चूहे को क्या उसका जो वादा था वो क्या हुआ याद आया, यानी जो शेर से जो चूहे ने वादा किया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा किसी दिन, तो उस चूहे को क्या हुआ वो वादा याद आया। और हरीड मतलब क्या था दौड़ा, यानी चूहा जो छोटे छोटे पाँव से दौड़ता उसको बोलते हैं हरीड। ठीक है, लायंस रेस्क्यू यानी शेर को बचाने के लिए, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना। ठीक है, शेर को बचाने के लिए दौड़ा, शेर को बचाने के लिए दौड़ा। द माउस यानी चूहा स्नैप मतलब क्या काट दिया। ठीक है, यानी जो चूहा जो कुतरता है ना उसको बोलते हैं काटना या कुतरना। ठीक है, और चूहे ने क्या कुतर दिया थ्रू आउट यानी पूरे रॉफ्स ऑफ द नेट यानी जाल के रस्सियों को क्या हुआ चूहे ने कुतर दिया। सेटिंग द लायंस फ्री, और शेर को क्या हुआ फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। अब ये देखें मॉरल यानी नैतिकता, देखें क्या हो जाएगा। इवन स्मॉल क्रिएचर कैन बी ऑफ हेल्प इन सम टाइम ऑफ नीडी, इवन मतलब होता है भी। ठीक है, छोटा प्राणी भी कैन बी हेल्प मतलब हमारी मदद कर सकता है इन टाइम ऑफ नीडी यानी जरूरत के समय में। टाइम ऑफ नीडी का मतलब होता है जरूरत के समय, जरूरत के समय। ठीक है, जरूरत के समय में छोटे से छोटे प्राणी भी हमारी क्या मदद कर सकती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।